मैं विनोद चौहान, मेरे YouTube चैनल चौहान क्लासेज पर आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था एवं जिले। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 को प्रारंभ हुई। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 को हुई थी, जब राजस्थान के एकीकरण हो गया। उस समय 30 मार्च 1949 को राजस्थान में 5 संभाग एवं 25 जिले थे। 5 संभाग कौन कौन से थे? 5 संभाग थे। सूत्र है उसका, चाहो तो ट्रिक याद कर लेना, बीजोज कोऊ। बी से देखो, बीकानेर। जो से, जोधपुर। जैसे, जयपुर। कोसे, कोटा। और उसे, उदयपुर। मतलब 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के अधिकांश भाग का जब एकीकरण हो गया था, जैसे तुम्हें एकीकरण की तारीखें याद है, 18, 25, 18, 30, तो 30 मार्च कौन सा है? राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण है। राजस्थान एकीकरण का चौथे चरण में राजस्थान को 5 संभागों में विभाजित किया गया। उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? जिले 25 जिले थे। उसके बाद क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बनाया गया। कौन सा बना? अजमेर बनाया गया, जो जयपुर जिले से विभाजित करके बनाया गया था। 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था
बंद कर दी। इसके बाद क्या हुआ? छब्बीस जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री, नाम था हरिदेव जोशी, ने संभागीय व्यवस्था पुनः लागू कर दी और राजस्थान का पांच संभाग तो ये थी, छठा संभाग कौन सा बना? अजमेर, जो जयपुर संभाग को अलग करके बनाया गया। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः चालू की गई और छठा संभाग अजमेर बनाया गया, जो जयपुर संभाग से पृथक करके बनाया गया। इसके बाद 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे ने सातवां संभाग, यहाँ लिख लो चाहो तो सातवां संभाग कौन सा? भरतपुर बनाया। कब बनाया? तारीख लिख लो चाहो तो 4 जून 2005 को सातवां संभाग भरतपुर हुआ। फिर क्या हुआ? 7 अगस्त 2023 को राजस्थान ने ऐसे लिखो 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीन और नए संभाग बना दिए। अब कौन से तीन नए संभाग बनाए? लिख लो, तीन नए संभाग बनाए हैं बा पा सी। सूत्र है बा पा सी। अब देखो बा से क्या हो गया? बा से बांसवाड़ा, आठवां संभाग कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। और नवा संभाग पासे पाली, और दसवां संभाग सी से सीकर। तो तीन संभाग और बढ़ा दिए। तो अब वर्तमान में राजस्थान में संभाग कितने हो गए? कुल 10 संभाग हो गए। अब वापस एक बार चेक कर लेना, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में बृहद राजस्थान संघ में हुए थे। उस समय राजस्थान में 5 संभाग और 25 जिले थे, परंतु 1 नवंबर 1956 को
राजस्थान का 26वां ज़िला जयपुर से अलग करके अजमेर ज़िला बनाया गया। इस तरह 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में कितने ज़िले थे, तो 25 ज़िले थे। 1 नवंबर 1956 को कौन सा नया ज़िला बना, तो अजमेर नया ज़िला बना। आगे उस समय 5 संभाग थे। फिर क्या हुआ, 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था पुनः चालू की और राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर बना दिया। इस तरह 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में कितने संभाग हो गए, 6 संभाग हो गए और 26 ज़िले हो गए। फिर क्या हुआ, 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक नया संभाग भरतपुर बना दिया, जिसमें कोटा का सवाई माधोपुर जिला ले लिया और जयपुर के 3 ज़िले ले लिए। इस तरह 4 ज़िले मिलाकर के भरतपुर संभाग बना दिया था। फिर क्या हुआ, 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक IAS थे राम लोभाया की कमेटी की सिफारिश पर 7 अगस्त 2023 को राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर 3 नए संभाग और बना दिए। इस तरह 3 नए संभाग कौन से थे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। इस तरह राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी हो गई, 10 संभागों की संख्या 10। कहने का मतलब इसमें कितने जोड़ दिए, बा सी पा, एक तो ये जुड़ा अज, फिर बासीपा, ये बापासी कर लो, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, नहीं अजमेर पूरा ही हो गया, बासे बांसवाड़ा, पासे पाली और सीसे सीकर। इस तरह 5 तो पहले थे, फिर 6ठा अजमेर बनाया गया। 6ठा संभाग कौन सा बनाया गया, अजमेर। फिर 7वां संभाग भरतपुर और 8, 9, 10 एक साथ बने, सूत्र है उसका बासीपा, बांसवाड़ा, सीकर और पाली। इस तरह राजस्थान में संभागीय व्यवस्था हुई और इसी 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में ज़िलों की संख्या 50 हो गई। राजस्थान में ज़िलों की संख्या कितनी होगी, 50, मतलब 33 ज़िले तो पहले थे, 19 और बना दिए तो कितने हो गए, 50 ज़िले हो गए। अब अपन संभाग में कौन से संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज तो याद होगी होगी, तो राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग, तो संभागों की संख्या तो 10 और जिलों की संख्या 50 है। राजस्थान में संभाग, अब संभागों को कैसे याद करोगे तुम, देखो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है, ए जे जे
BASP भर भरत को BSP भरत को बिका देना। अब इससे नहीं बनेगा, बाकी सभी से सभी बन जाएंगे। जैसे ए से क्या बन गया, अजमेर संभाग, इधर लिख दूं थोड़ा, ए से अजमेर संभाग, जे से जयपुर संभाग, इधर तो संभाग कर लो और इधर जिले, ठीक है, ताकि याद रहेगा कौन से संभाग में कौन से जिले हैं। फिर जैसे जोधपुर संभाग, फिर यू से उदयपुर संभाग, बी से बांसवाड़ा संभाग, फिर एस से सीकर संभाग, फिर पी से पाली संभाग, भरत से पूरा बनेगा, भरत से भरतपुर संभाग, को से कोटा संभाग, और बीका से बीकानेर बीकानेर संभाग। तो इस तरह संभागों की व्यवस्था कितनी है वर्तमान में राजस्थान में, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 संभाग हैं। ये 10 संभाग एक कमेटी गठित की गई थी 21 मार्च 2022 को। कब गठित की गई थी? ये 3 संभाग बने, कौन कौन से, पाली सीकर बांसवाड़ा। कब? राम लोबाया कमेटी गठित की गई, या इधर लिख दूं या जिले आ जाएंगे। कमेटी का नाम था राम लोबाया कमेटी। किस कमेटी से बनाई गई तीनों? राम लोबाया कमेटी से। कब गठित की गई? वो गठित की गई थी 21 मार्च 2022 को। सुझाव कब दिया गया अपनी रिपोर्ट या सुझाव? 4 अगस्त 2023, जब बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र में चर्चा हुई, तब 4 अगस्त 2023 को बजट सत्र की चर्चा हुई। फिर 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये 3 संभाग नए बना दिए। इस तरह संभागों की संख्या होगी 10। अब 10 संभाग में सबसे पहले संभाग ले लेते हैं अजमेर। कौन कौन से जिले हैं? मैंने ये टॉपिक दे दिया, इधर तो संभाग और इधर जिले आ जाएंगे। अब देखो कैसे याद करना जिले कौन कौन से अजमेर संभाग में। तो अब शादी के टोना ऐसे अजमेर शॉर्ट में लिखूंगा मैं, वैसे ब्यावर, सासे सहापुरा, दी से डीडवाना कुचामन, फिर कैसे
केकड़ी, केसे केकड़ी, टोसे टोंक, नासे नागौर। तो कितने ज़िले हो गए इसमें अजमेर संभाग में? 7 ज़िले। कितने ज़िले हो गए? 7 ज़िले। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ज़िले। तो सूत्र याद रखना, क्या सूत्र बनाया था मैंने, ये ट्रिक बनाई, अब शादी के टोना, ठीक। फिर है जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में इसकी भी ट्रिक है, तीज, तीज दो, अ दुदू, तीज दो अ दुदू। देखो तीज से क्या बन जाएगा, तीज से देखो, हाँ जयपुर संभाग के जिले मैंने ट्रिक बनाई है, तीज को दो अद्दू, तीज को दो अद्दू, तो तीज से क्या बन गया, तिजारा, तिजारा खेरतल, तिजारा खेरतल। फिर जैसे जयपुर, फिर कोसे कोटपुतली, फिर दोसे दौसा, कोसे कोटपुतली बहरोड पूरा ही लिख लो, फिर दोसे दौसा, ऐसे अलवर, और फिर दूदू। तो कितने ज़िले हो गए इसमें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, एक ही है, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें कितने ज़िले हो गए, 6 ज़िले। अब इसका देख लो, या फिर इनको हटा दूँ मैं, है ना, ताकि तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, एक बार फिर चेक कर लेना। अजमेर संभाग के जिले, सूत्र है, ट्रिक है, अब शादी के टोना, अजमेर ब्यावर साहवा, अजमेर ब्यावर शाहपुरा डीडवाना कुचामन, एक ही है, केकड़ी टोंक और नागौर। जयपुर संभाग के जिले, तीज को दो अद्दू, तिजारा खेरतल, एक हो गया जयपुर, कोट, फिर तीसरा है कोटपुतली बेरोड, चौथा है दौसा, पांचवा अलवर और छठा दूदू। जोधपुर संभाग में देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जोधा बाबा, जोधा बाबा फलजे, फलजे। अब देखो जो से जोधपुर, धा से जोधा पूरा ही आ गया, बा से बाड़मेर, फिर बा से बालोत्रा, बालोत्रा, फल से, फल से पूरा बनेगा फलोदी, फलोदी, और जैसे जैसलमेर। तो जोधपुर संभाग में कितने ज़िले हो गए? वैसे तो जोधपुर ग्रामीण जिला भी है, पर उनको एक ही माना जाता है, इसलिए 50 ज़िले जब भी होते, नहीं तो 52 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 ज़िले हो गए, जोधा बाबा फल, फिर इसके बाद लेते हैं उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग लेते हैं? उदयपुर संभाग। थोड़ी जगह कम पड़ी तो ऐसा कर मैं साफ कर देता हूँ।
उदयपुर संभाग, ठीक है, एक एक करके संभाग ही लिख दें, इतना तो फिर काफ़ी डीप ध्यान नहीं रहता तुमको भी, काफ़ी कचरा सा हो जाता फिर तो। डाल लो चौथा, तीन जिलों की, तीन संभागों की तो जिले लिखा दिए मैंने, चौथा संभाग उदयपुर संभाग। ट्रिक है इसकी, ट्रिक भी लिख लो, चित्तौड़ से सलुम्बर तक, चित्तौड़ से सलुम्बर तक उदय भील का राज। देखो कैसे बनाए, तो पहला जिला तो चित्तौड़ का चित्तौड़ी हो गया है ना, उदयपुर संभाग का पहला जिला चित्तौड़, फिर सी से नहीं बनेगा, फिर दूसरा सलुम्बर तक से भी नहीं बन रहा, तीसरा उदय से उदयपुर, उदय से कौन सा जिला हो गया उदयपुर, भील से भीलवाड़ा, फिर पांचवा राज संबंध, राज से क्या बन, इससे भी नहीं बन रहा का से राज संबंध। कितने जिले हो गए उदयपुर संभाग में, पांच जिले। वापस सुन लो, चित्तौड़ से सलुम्बर तक उदय भील का राज, ये उदयपुर संभाग के जिले हैं। तो चित्तौड़ हो गया, सलुम्बर हो गया, चित्तौड़ हो गया, सलुम्बर हो गया है, फिर उदय हो गया, उदय से मतलब उदयपुर, भील से भीलवाड़ा, राज से राज संबंध। इसके बाद पांचवा संभाग लेते हैं बांसवाड़ा संभाग, कौन सा संभाग, बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा संभाग की ट्रिक है, जिलों की ट्रिक, जिले ट्रिक है इसकी, प्रताप डूबा, क्या है, प्रताप डूबा। अब देखो प्रताप से क्या बन गया पहला जिला, प्रतापगढ़, डू से दूसरा डू है, डू से डूंगरपुर, और बासे बांसवाड़ा। तो राजस्थान के बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हो गए, तीन जिले, प्रताप डूबा मतलब प्रताप से प्रतापगढ़, डू से डूंगरपुर, बासे बांसवाड़ा। इसके बाद अगला जिला ले संभाग लेते हैं पाली संभाग, पाली संभाग कौन सा नंबर हो, छठा हो, पाली संभाग, पाली संभाग में जिलों की ट्रिक है, ट्रिक लिख लो, पाली संभाग में जिले की ट्रिक है, पासी, पासी सांचा, सांझा, सांझा, पासी पाली, सी से सिरोही, सांसे सांचौर, जासे जालौर। ये तो पाली संभाग हो गया, सातवां देखो इधर, बांसवाड़ा हो गया, सीकर ले ले, सीकर
संभाग। सीकर संभाग में जिले की ट्रिक है, देखो जिलों की ट्रिक है, क्या है ट्रिक, नीम झुंझुने से चुरा, नीम झुंझुने, नीम झुंझुने चुरा, नीम झुंझुने चुरा। सीकर संभाग के ये जिले हैं, नीम झुंझुने से चुरा, नहीं नीम झुंझुने सीकर से चुरा, सीकर छूट गया, सीकर से चुरा। अब देखो चुरा, चूरू नहीं, चूरू तो बनेगा जिला, नीम का, नी से क्या बन गया, नीम से, नीम का थाना, नीम का थाना। झुंझुने से, झुंझुने से झुंझुनू, सीकर से सीकरी आ जाएगा, और चुरा से चूरू। ये कितने जिले हो गए सीकर संभाग में, चार जिले, और इसके कितने जिले हुए पाली में भी, चार जिले, पाली संभाग में भी चार जिले। इसके बाद संभाग लेते हैं भरतपुर संभाग, आठवां इधर ले लेता हूँ मैं, भरतपुर पुर संभाग। भरतपुर संभाग का ट्रिक है, जिलों की ट्रिक, क्या ट्रिक है इसकी, देखो सवाई गंगा भरकर, सवाई गंगा भर, सवाई गंगा भर कर, इसको साफ कर देता हूँ मैं, कहीं लिखने में दिक्कत होगी, जगह कम है, सवाई गंगा भर कर डीग में ढोल, सवाई गंगा भर कर डीग में ढोल, डीग में, तो मैसी नहीं बनेगा, ढोल, सवाई से देखो, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर गंगा से गंगापुर सिटी, भर से भरतपुर, कर से करौली, डीग से डीग, और छठा धोल से धौलपुर, धोल से धौलपुर। वापस सुन लो, संभाग के जिले, भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सवाई, मैंने ट्रिक लिखाई, सवाई गंगा भरकर डीग में ढोल, तो सवाई से सवाई माधोपुर, गंगा से गंगापुर सिटी, भर से भरतपुर, कर से करौली, डीग से डीग, और ढोल से ढोलपुर। इसके बाद अपना संभाग आता है नवा संभाग कोटा, नवा संभाग ले लेते हैं कोटा, कोटा संभाग, कोटा संभाग जो 30 मार्च 1949 को ही बन गया था, कोटा संभाग, इसका सूत्र ट्रिक लिख लो, जिलों की ट्रिक, यह जिले, जिले कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, बाबू को झाला, बाबू को
झाला बासे बारा बूसे बूंदी बूसे बूंदी कोसे कोटा और झाला से झालावाड़। तो कितने संभाग हो गए तुम्हें? 9। दसवां संभाग लेते हैं। अपने सूत्र क्या था? ए जे संभागों का सूत्र क्या था? ए जे जे यू बी एस पी भरत को बिका देना। तो अगला संभाग कौन सा आया? बिका। बिका से बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग में जिले कौन कौन से हैं देखो। जिलों की ट्रिक है, ट्रिक लिख लो। अनु हनु अनु हनु बीग अनु हनु बीग। अनु से क्या बन जाएगा? अनु से और बी से गए से। अनु से बन गया अनूपगढ़। कौन सा जिला? अनूपगढ़। हनु से हनुमानगढ़। फिर बी से बीकानेर। बी से बीकानेर जिला और ग से गंगानगर। तो कितने जिले हो गए इसमें? बीकानेर संभाग में 4 जिले। अब देखो वापस सुन लें। मैंने सबसे पहला संभाग कौन सा बताया? वैसे क्रम में तो दूसरी थी, परंतु जो मैंने अभी लिखा है उनके हिसाब से सबसे पहले मैंने संभाग डलवाया अजमेर संभाग। तो इसके मैंने जो ट्रिक बताई थी, अब शादी की टोना, ऐसे अजमेर, बसे ब्यावर, सासे शाहपुरा, डी से डीडवाना कुचामन, के से केकड़ी और टो से टोंक, ना से नागौर। ये किस में आ गई? अजमेर संभाग में। जयपुर संभाग का सूत्र क्या लिखाया था मैंने? 30-2 अल अ दू दू 30-2 अ दू दू। अब जयपुर संभाग में कौन कौन से आ जाएंगे? 30-2 अब दू दू तीसे तिजारा खेरतल, जैसे जयपुर, दो से दौसा और ऐसे अलवर, दू दू 30-2 अब दूदू को और दूदू से दूदू और को से कोटपुतली बहरोड़। फिर लिखाओ अगला संभाग ले लेते हैं, उदयपुर संभाग। तो मैंने लिखाया क्या? लिखाया चित्तौड़ से सलुम्बर तक उदय भील का राज है। चित्तौड़ से सलुम्बर तक, तो चित्तौड़ से चित्तौड़ है ना, सलुम्बर से सलुम्बर, उदय मिस उदयपुर, उदयपुर संभाग के जिले हैं। उदयपुर से नहीं, उदयपुर संभाग का ट्रिक क्या बताई मैंने? चित्तौड़ से सलुम्बर तक उदय भील का राज है। तो चित्तौड़ हो गया पहला जिला, फिर दूसरा जिला सलुम्बर हो गया उदय से, तीसरा जिला क्या हो गया? उदय उदयपुर हो गया, भील से भीलवाड़ा हो गया, राशे राज संबंध हो गया। ये किस कौन से संभाग के हो गए? उदयपुर संभाग के। बांसवाड़ा का मैंने सीधा से लिखा है प्रताप डूबा है ना, प्रताप से प्रतापगढ़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। फिर इसके बाद जिला लिखा है मैंने झुंझुनू, नीम झुंझुने सीकर से चुरा लेना। झुंझुनू सीकर में क्या लिखा है मैंने संभाग?
नीम झुंझुने, ये था नीम झुंझुने, सीकर से चुरा लेना। ठीक है, लेना से नहीं बनेगा। नीम का थाना, झुंझुनू, सीकर, इससे भी नहीं बन रहा है ना, और चूरू, नीम का, नीम के झुंझुना सीकर से चुरा लेना। इसके बाद संभाग लेते हैं, नीम का थना, झुंझुनू, सीकर, चुरा लेना, चूर, चू से चुरा, चूरू। इसके बाद संभाग लिखा था मैंने पाली संभाग, पासी, पाली संभाग पासी सांझा, क्या लिखा था, पासी सांझा, पाली सिरोई सांचौर जालौर। फिर इसके बाद कौन सा संभाग लिया, भरतपुर संभाग, एक बार रिपीट हो जाएगा तुम्हारी, भरतपुर संभाग, सवाई गंगा भरकर, क्या सूत्र था भरतपुर संभाग का, सवाई गंगा भरकर, भरकर डीग में धोल। देखो भरतपुर संभाग के जिले निकल आए, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, करौली, डीग, इससे नहीं बनेगा, और धौलपुर। फिर इसके बाद कोटा संभाग बताया मैंने, कोटा संभाग का सूत्र क्या था, बाबू को झाला, बाबू को झाला। तो कोटा संभाग का पहला जिला बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, तो चार जिले कोटा संभाग में। फिर इसके बाद बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में है, ट्रिक बताई बीकानेर की, हनु, बीकानेर संभाग की क्या बताई, अनु, हनु, बीगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर गंगानगर, कितने जिले हो गए, चार जिले। तो ये थी हमारी संभागीय व्यवस्था और उनके जिले। कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान का अजमेर जिला, जिला दर्शन पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।